और उत्तर प्रदेश वक्त की बड़ी जानकारी की ओर आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पर हमला होने की खबर सामने आ रही है। प्रचार के दौरान बीएसपी प्रत्याशी पर हमला हुआ है। जेवर से बसपा के प्रत्याशी है नरेंद्र भाटी डांडा के ऊपर आपको बता दें कि हमला हुआ है। जेवर से नरेंद्र भाटी डांडा काफी मजबूत है, लगातार उनके जीतने की भी खबर सामने आ रही है। नोएडा क्षेत्र की तीनों सीटों पर बीएसपी काफी मजबूत है और आज प्रचार के दौरान आपको बता दें कि उन पर हमला हुआ है। खबर आ रही है, आपको बता दें कि इस वक्त भी बहुजन समाज पार्टी के सभी नेता धरने पर बैठे हुए हैं। महमूदपुर जादौन गांव में आपको बता दें कि यह हमला हुआ है, प्रचार के दौरान हुआ है। इस वक्त नरेंद्र भाटी ने कहा है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की यूपी चुनाव 2022 को लेकर। आपको बता दें कि मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है, बड़ी संख्या में बीएसपी के कार्यकर्ता भी मौजूद है, गांव के लोग भी मौजूद है। महमूदपुर गाँव के अंदर बीएसपी प्रत्याशी नरेंद्र भाटी डाडा पर हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। विरोधी पार्टियों पर आपको बता दें कि उन्होंने इसका आरोप लगाया है कि उन्होंने ही